मफरूर बुजदिल डाकू जो लंदन में बैठा है वो भी सुन ले, आपने इलेक्शन की डेट हमें ना दी तो जो समुंदर आ रहा है इस्लामाबाद ये सबको बहा के ले जाएगा। जब मुझे पता चला साजिश का तो मैंने उन लोगों के पास गया जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं, जो साजिश रोक सकते थे, और मैंने उनको बताया अगर ये साजिश कामयाब हुई तो ये हमारी मायशत सीधी तरह नीचे जाएगी। अपोजिशन पार्टीज को और मेरी अपनी जमात को, मेरी अपनी हुकूमत को इमरान खान के गुनाहों का जो टोकरा है उसको अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। इलेक्शन ही हल है। रिफरेंस इलेक्शन कराओगे, जो भी आएगा उसको ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं तो हमें करने दो। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम न्यूज बीट के साथ मैं हूँ महक असलम। शो की मुस्तकिल मेजबान पारस जहांजेब छुट्टी पर है, इसलिए शो की मेजबानी मेरे जिम्मे है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी और मुआशी बहरान मुसलसल जारी है। अगर सिर्फ मैं डॉलर की बात करूं तो डॉलर किसी के काबू में नहीं आ रहा, और जिन्होंने इस बहरान को काबू करना है वो 3 दिन से पाकिस्तान के बजाय लंदन में मौजूद हैं। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के सीनियर अरकान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुशावरत में मसरूफ़ अमल है, और अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि मुशावरत मुल्क में जारी सियासी और मुआशी बहरान ख़त्म करने के लिए है या फिर फौरी इंतखाबात कराने के लिए की जा रही है। और अगर इंतखाबात की हम बात कर लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत बड़ी जमात है, अपना मौकफ़ सामने ला चुकी है। उनके मुताबिक पहले इस्लाहात और फिर इंतखाबात का ऐलान सामने आएगा। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या नून लीग भी यही चाहती है या बयानियाँ कुछ और है? फौरी इलेक्शन की तरफ जा सकती है क्या नून लीग? इस पर आज हम शो में बात करेंगे। जो पैनल है आज मेरे शो का उसका मैं तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद होंगे पीटीआई से हलीम आदिल शेख साहब और मुस्लिम लीग से हीना परवेज बट, और इसके साथ साथ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमें ज्वाइन करेंगे। पहले एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन का आगाज करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन, और जनाब हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हिना हमें स्टूडियोज़ में भी ज्वाइन कर चुकी हैं, और हलीम आदिल शेख, और इसके साथ ही साथ अमजद शुएब साहब भी। तो हिना से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ना, सबसे पहले वो सवाल जो बड़ा ही अवामी है और हर किसी के जहन में है कि शहबाज शरीफ अपनी सीनियर क़यादत के साथ लंदन में क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में होना चाहिए, गवर्नमेंट उनकी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं, मशवरे लंदन में बैठ के हो रहे हैं जो कि होने अमूमन पाकिस्तान में ही चांद में ही चाहिए थे। तो अगर हम बड़ा ही अवाम का रद्द अमल देखिए, वन सोशल मीडिया पे भी अवाम इस बहसो मुबाहसे में भी है और तनकीद भी की जा रही है, अब आप तनकीद के जद में भी आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये आपको भी पता है और आई थिंक अवाम को भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब जहाँ भी हों, चाहे वो जहाज़ में हों, चाहे वो किसी विज़िट पे हों, इंटरनेशनल विज़िट पे हों, वो हर वक्त काम करते हैं। उनको पाकिस्तान स्पीड के नाम से जाना जाता है, और काम काम और सिर्फ काम, यहाँ तक कि हमने देखा कि उनके वो जहाज़ में भी हों तो ही इज़ वर्किंग। सो रिगार्डलेस ऑफ ही इज़ इन पाकिस्तान और एनी वेयर, he is determined and working all the time, pehli cheez। dusri baat, shabash sharif sahab bilkul nawaz sharif sahab se milne gaye, hum agar dekhe nawaz sharif has been the 3 times ex prime minister, he's been on this acha, post ek cheez main add karna chahungi ki aap keh rahi hain pakistan speed, lekin is time wo london speed mujhe nazar aa rahe hain kyunki mashware wahan ho rahe hain jo ki hamare mulk ke mashware england mein ho rahe hain, ye samajh nahi aa raha। main aisi ko jawab de rahi thi aapko, dekhe shabash sharif sahab ko khadme ala bhi jana jata hai punjab mein, jis tarah unhone changes ki isi पाकिस्तान स्पीड के नाम से वो जाने जाते हैं। अब मैं लंदन की बात आपको ये कहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं, और पार्टी की मीटिंग लंदन में और आपस में मशावरत हो रही थी क्योंकि वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। सो बेसिकली उनको काफ़ी ऐसी चीज़ें जो उनको शायद बेहतर तौर पर पता है, या और शहबाज शरीफ साहब वैसे भी नवाज शरीफ को मिलना चाहते थे और मशावरत करना चाहते थे। तो आई थिंक रिगार्डलेस अब वो कहाँ हैं, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो जहाज़ में हो, शहबाज शरीफ साहब इज ऑल द टाइम वर्किंग, द नंबर ऑफ आवर्स ही वर्क्स यू
कैन आस्क ब्यूरोक्रेसी, यू कैन आस्क द इंटरनेशनल सिस्टम, यू कैन आस्क एनी सिस्टम, पहली चीज. दूसरी बात, ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब से कोई मशावर कोई करने और वो पूछने गए हैं, तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है. और एक चीज मैं इसको बस एंड कर लूं कि ये पार्टी की मीटिंग है पीएमएलएन की. इस वक्त हुकूमत जो है वो एक इत्तेहादी मिक्स पार्टी की और इत्तेहादियों की है, जॉइंट हुकूमत है. तो उनके बाकी मिनिस्टर्स यहाँ हैं, जो कुछ लोग वहां गए हैं, वहां से इसहाक डार साहब से भी कुछ मशवरे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी दिए और आपस में चीजें तय हुई हैं. सो आई थिंक दिस इज अ गुड, तो इसको एक नेशनल इशू नहीं बनाना चाहिए. आई थिंक पार्टी की मीटिंग है, रिगार्डलेस ऑफ वेयरएवर ही इज ही वर्क्स. अच्छा, एक चीज ये कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस भी आ सकते हैं, अब तो माशाल्लाह से गवर्नमेंट एक तरह से उन्हीं की है. अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये बताएं कि अगर हम मुल्क के हालात की बात करें, लाइक अगर हम डॉलर देखें कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, वो आपने पाकिस्तान स्पीड की बात की तो मुझे लग रहा है उसी स्पीड से पाकिस्तान नीचे भी आ रहा है. मार्केट क्रैश हो रही है, महंगाई बढ़ रही है. ये जो महंगाई बढ़ना, मार्केट का क्रैश होना, डॉलर का एकदम से ऊपर चले जाना, मुआशी अदम इस्तेहकाम और उसके बाद अवाम बुरी हालत में है. देखिए, ये फैसले में होने चाहिए थे. 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो डॉलर 118 पे था, उसके बाद 189 तक कौन लाया? इनकी लास्ट 3.5 ईयर्स में इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से हम जीडीपी 5.8 छोड़ के गए. इनके आते तक 3.5 साल में इन्होंने इकोनॉमी तबाह बर्बाद की और जीडीपी को 5.2 4.3 अकॉर्डिंग टू देयर फिगर्स लेके आए. इसी तरह इन्फ्लेशन 4% थी जो हम छोड़ के गए. अभी 2022 है वैसे. मैं वही कह रही हूँ, इस वक्त 14% फूड इन्फ्लेशन, मैं वही कह रही हूँ. तो 2022 की जनवरी तक इमरान खान ने जो बात की, तब तक ये हुकूमत में थे, हमें तो महीना भी नहीं हुआ हुकूमत में आए हुए. तो मैं यही कह रही हूँ, इनकी 3.5 ईयर्स की बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान और इनकी गलत IMF की डील, जो उन्होंने 6 महीने पहले ये डील कर ही नहीं रहे थे, फिर इन्होंने IMF की गलत कंडीशन. आप लोग तो स्टॉप लगा के चले गए ना, लेकिन मेरा सवाल है ना ये है कि देखिए आप लोग तो अहल हैं, एक्सपीरियंस है आप लोगों का, आपने खुद कहा कि 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं. लेकिन इन्होंने जो IMF के साथ गलत डील्स की, इन्होंने लास्ट 3.5 ईयर्स से मुल्क में इतने कर्जे लिए जो 70 साल में सारी हुकूमतों ने लिए. इन्होंने 80% कर्जे ले लिए और कर्जे लेके डिलीवर कुछ नहीं किया. और आखिर में क्या हुआ, इनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी कि इनको पता था कि ये अवाम में अपनी परफॉर्मेंस के लिए जा ही नहीं सकते. इन्होंने एक आलमी साजिश का झूठा कार्ड यूज किया. इसी तरह एक जो इन्होंने जो मैं यूजुअली बात नहीं करती, लेकिन इन्होंने रियासत मदीना का या रिलीजियस कार्ड यूज किया और फिर जो मस्जिद नबी में वाकया हुआ, जो तौहीन व मुकद्दस पैमाल किया गया, उन्होंने पहला इनका रियासत मदीना का कार्ड जो है फ्लॉप किया. आपने सारी डिटेल बता दी, इसीलिए तो अदम इस्तेहकाम आई. लेकिन अब क्या करना है आप? अब ये कहें कि ठीक है, जो गवर्नमेंट आई है इतनी मुश्किल से आई है, इतना लड़ के आई है, कुछ अच्छा कर रही है, टेन्योर जो है उसको कंप्लीट होना चाहिए. अच्छा, आई थिंक पूरा जो टाइम है ये नई जो हुकूमत बनी है, अच्छा, उसको स्टेबिलिटी से काम करने देना चाहिए. सही है. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो रिफॉर्म्स जरूरत है नैब लॉज में वो होने चाहिए. और फिर जो है इन द नेक्स्ट टाइम ऑफ इलेक्शंस होने चाहिए. और अगर फ्री एंड फेयर जो होने, मैं वही बात कर रही हूँ, बात की हुई नवाज शरीफ साहब का बयानिया था कि जो है अदारे न्यूट्रल हो जाए. बहुत अच्छी बात है, अदारे न्यूट्रल हो गए. अदारे न्यूट्रल हुए तो इमरान खान को पता चल गया कि वो नो कॉन्फिडेंस. अच्छा, आपने इलेक्शन की बात की है, मरियम नवाज कह रही है इलेक्शन फौरी तौर पे होने चाहिए. आप कह रही हैं मरियम बीबी ने बात नहीं की, मैं उधर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, साथ खड़ी हुई थी. मरियम नवाज शरीफ ने बात ये की है कि इमरान खान का जो बोझ है वो हमें नहीं लेना चाहिए. वो बात बिल्कुल सही है कि इनके 3.5 साल की जो बुरी पॉलिसीज है वो हम अपने सर पे नहीं ले सकते, वो इनकी रियलिटी है. लेकिन ये ना, इस बोझ के साथ अगर इलेक्शन जल्दी हो जाते तो फिर आप अवाम में क्या लेके जाएंगे? सवाल छोड़ के जा रही हूँ, हलीम आदिल शेख हमें काम करने देना चाहिए, इलेक्शन अपने टाइम पे. अच्छा ठीक है, हलीम साहब हमें ज्वाइन कर. हलीम साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम. सवाल मेरा आपसे यह है कि इस वक्त मरियम नवाज के अलावा पूरी जो सीनियर कयादत है नून लीग की, वो मौजूद है इंग्लैंड में. सीनियर कयादत इंग्लैंड में बैठी है, फैसले कर रही है. मुल्क है पाकिस्तान का, हुकूमत यहां पर हो रही है, फैसले वहां पर हो रहे हैं. इस जाने को मैं क्या समझूं, खान साहब का प्रेशर है या फिर आपकी नजर में और बाकी पीटीआई के लोगों की नजर में जो नून लीग की गवर्नमेंट है वो ये समझ रही है कि चीजें अब इनसे डील नहीं हो रही हैं, खान साहब का प्रेशर या चीजें डील ना होना, क्या कमेंट करेंगे? शुक्रिया महक, आपका बड़ी मेहरबानी. आज मैं बात शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त करूंगा आपसे भी और
कि पहले दो तीन दफ़ा ये हुआ है कि मैं बीच में नहीं बोलता, हम जो शोएब साहब ही नहीं बोलते, तो मैं अपनी भट्ट साहिबा से कहूँगा कि बराए करम हम सुने, तसल्ली से सुने, अपनी बात करें और जो टाइम सबको है बराबर मिलना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे मज़ा नहीं आता। और इनकी बिल्कुल बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट पहुँच गई है। मैं रिलक्टेंट था, हमारे लिए रिस्पेक्ट है, हमारी खातून है और पार्लियामेंटेरियन, लेकिन बराए करम अगर आप सुने। सबसे पहले तो इन्होंने कहा पाकिस्तान स्पीड, ये ऐसी स्पीड है जिससे डॉलर को स्पीड, आटे को स्पीड, टमाटर को स्पीड, प्याज को स्पीड, मुर्गी को तो लगनी थी स्पीड, उसमें तो मजबूरी थी, वो तो हर चीज़ को स्पीड लग गई है, महंगाई को स्पीड, डीजल को स्पीड, बिजली को स्पीड, हर चीज को स्पीड लगी। हम जब गए थे साहब कतर कलामी की माजत, आपने कहा था बोलने दिया जाए, लेकिन क्या करूँ ना, सहाफी हूँ, सवाल के बिना रह नहीं सकती, ये वही स्पीड है जो आप छोड़ के गए थे। अच्छा, मैंने आपको नहीं कहा था, मैं बताना चाह रहा हूँ, वही स्पीड नहीं है ये। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिजर्व कहाँ छोड़े थे, डॉलर जो था वो स्टेबल था 172, 173, 174 के ऊपर। जब हालात खराब हुए, ये अमेरिकन रिजीम का सारा रिजीम चेंज का ड्रामा स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से डॉलर इन्फ्लेट किया, और अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी स्पीड की वजह से 200 को टच कर रहा है, 200 को टच कर रहा है। अब मैं आता हूँ, आपने कहा लंदन में क्या हो रहा है, ये अलमिया है कि फैसले पाकिस्तान के हो रहे हैं इंग्लिस्तान में, फैसले पाकिस्तान के उधर हो रहे हैं जहाँ सामने। कल एक खबरें चल रही थी कि जी किसी पता नहीं कौन सी जगह के ऊपर गाड़ी रोक दी, हैजर्ड लाइट जला के छुप छुपा के फैसले, एक वो शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सजा याफ्ता शख्स, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, 50 रुपए के उसके ऊपर यहाँ से मफरूर जेल से निकला हुआ भागा हुआ एक शख्स, उसके पास पूरी कैबिनेट वहाँ मौजूद है, मुल्क में सूरत हाल क्या चल रही है, रिजर्व कम हो रहे क्या, और उसके बाद सुना है कि वहाँ कुछ खुफिया मुलाकातें हुई हैं, वो मुलाकातें जो असल जो जो इनके जिन्होंने इनको लॉन्च किया है, जो इनके पेशकार हैं, जिनकी ये पेशकश है, जिनके ये गुलाम हैं, जिनके ये मुलाकातों का जिक्र करें, मैं चाहूंगी अवाम जाने, अवाम का ये हक है जाना कि ये मुलाकातें किससे हो रही है, जो खुफिया मुलाकात का आप जिक्र करें, अगर कुछ नाम आप बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए नाम का तो मुझे नहीं पता, इतनी खुफिया हैं वो, लेकिन हमें पता है कि MI6 के नुमाइंदों ने मुलाकात की है, और वो जो मतलब जो इतनी खुफिया कि आपको ये पता चल गया कि मुलाकात खुफी है, लेकिन हुई किनसे ये पता नहीं चला। अरे वाज़े सब बता रहे हैं, वहाँ जो खुफिया एजेंसीज हैं अमेरिका की, ब्रिटिश की, वहाँ के इदारों से हुई है, और मैं समझता हूँ कि कुछ छुपा हुआ नहीं है, चूंकि ये सब जाके मतलब तरीका है, हम गुलाम कौम है कि लंदन में जाए मुश्किल से, क्या लॉर्ड माउंटबेटन है वहां गए हुए हैं, हमने मुश्किल से गोरे से आजादी हासिल की थी, आज अलमिया ये है कि 70 साल बाद दोबारा पाकिस्तान के फैसले लंदन में जाके हो रहे हैं, और वो शख्स जो कि नाअहल, जो करप्शन की बेसिस के ऊपर जिसको निकाला गया, फारिग किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। देखे आप कैबिनेट, आप शायद एक बात भूल रहे हैं कि नवाज शरीफ कायद हैं नून लीग के, और नून लीग का ये बयान ये कि हम अलग नहीं है, एक ही धड़ा है, और हमारे जो कायद है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। अब कायद से अगर मशवरा किए बिना रह लिया जाए तो ये तो गलत होगा ना, तो वो नहीं रह रहे कायद से मशवरा किए बिना। तो मैं कहना चाहता हूँ कायद को पासपोर्ट मिल गया, आते क्यों नहीं कायद, आ जाए ना, वतन बुला रहा है, बेटे तो चले उनके वो नेशनल है वहाँ के, वो तो लॉर्ड माउंटबेटन के खानदान से हैं, आ जाए ना, अखियाँ उड़ीक दिया, कायद साहब तशरीफ ले आओ, पासपोर्ट भी मिल गया तो बात ये है, कायद से आ जाए, उन्हें वेलकम करते हैं। मैं चाहूंगी जरा बात पूरी कर लें, मैं चाहूंगी हलीम साहब बात पूरी कर लें, उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी आते साथ, जी 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 प्लीज, उसके बाद जो चाहे बात करें, बिल्कुल बात करें, उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ यही तो अलमिया है, हम यही तो कहते हैं ये खानदानी सियासत, काई दरक यहाँ नहीं भी है तो खानदान ने वहां जाना है, सारे खानदान तीसरी नस्लें। श्रीलंका में क्या हुआ, एक भाई सदर, एक वजीर आजम, एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर, क्या हो रहा है वहां, मैं कहना चाहता हूँ यही अलमिया है, आज तबाह बर्बाद, यही लोग भीख मांगते हैं फिर अमरीका से, इधर से उधर से, और उसके बाद लाके एक साजिश के तहत, एक साजिश के तहत एक अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को गिराते हैं, और अब हो क्या रहा है, आज क्या जलसे में हुआ, कल लैपटॉपबाद में क्या हुआ, मियांवाली में क्या हुआ, मैं कहना चाहता हूँ कौम ने, इन्होंने जो तदबीर बनाई थी कौम ने उठा के फेंक दी है इनको, अब इनको समझ नहीं आ रहा, इलेक्शन कराएं
तो फंसते हैं, नहीं कराएं तो खान साहब नहीं छोड़ेगा, क्या करें? आईएमएफ के पास जाएं तो क्या होगा? जाएंगे तो डीजल महंगा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो इकॉनमी खराब होती है। इनकी बस हो गई है, बस हो गई है। एक महीना इन चार हफ्ते में इन्होंने, अब लोड शेडिंग 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है, महंगाई तरह निकाल दिया है, लोड शेडिंग महंगाई। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमें कबूल नहीं है कि पाकिस्तान के फैसले वो जाके इंग्लिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तान में होने चाहिए। वैसे अलीम साहब, हम अगर थोड़ा सा अवाम का एनालिसिस देखें ना, अवामी राय देखें, तो वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए ना। मैं आपकी तरफ आऊंगी, अमजद साहब बैठे हुए हैं। 3.5 साल में आपने पाकिस्तान की रूट्स को इतना खोखला कर दिया कि इमरान खान जो एक पाकिस्तान के लिए एक वो बन गए हैं इकोनॉमिक और सिक्योरिटी थ्रेट, उनको फारिग करने के लिए सारी हुकूमतें एक कड़वा घूंट पी के, और लेकिन उन हुकूमतों को फारिग करने के बाद क्या किया है ना, सवाल ये है स्टेबिलिटी के साथ काम करने दें, आपके कहने पे प्रेशराइज करने पे, इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करने पे, मुझे जनरल साहब के पास अदारों को या मिलिट्री को प्रेशराइज करने पे कुछ नहीं हो। चलें जी, जनरल साहब आपकी जानी बात हूँ। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत के फैसले होते हैं इंग्लैंड में, कभी होते हैं दुबई में। इवन हमने ये भी देखा है कि सियासतदान जब इक्तदार से चले जाते हैं तो तब पना भी लेते हैं दुबई में, या फिर कभी कभी हम देखते हैं कि इंग्लैंड भी चले जाते हैं, मिसाल भी हमारे सामने है। ये क्या पाकिस्तान के साथ ज्यादती नहीं है कि हमारा मुल्क है, फैसले यहाँ होने चाहिए, हमारे मफाद में होने चाहिए, हमारे यहां बैठ के डिस्कशन होनी चाहिए, वहां से डिक्टेशन ली जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान इस मामले में इंतहाई बदकिस्मत मुल्क है जिसमें किसी को कोई खुदा का खौफ, कोई शर्मया नहीं है कि इस मुल्क की खुद मुख्तारी, इस मुल्क की हाकमियत का कुछ ख्याल किया जाए। अपनी इज्जत नहीं तो यहाँ के 22 करोड़ अवाम की इज्जत का ही ख्याल किया जाए। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं जहां पूरी पूरी कैबिनेट जो है वो पहुंची हो किसी और के घर और वहां से फैसले करवा रही। इसका तो दुख होता है ये चीजें देख के कि हम कर क्या रहे हैं अपने मुल्क को, ना अपनी इज्जत ना अपने अवाम की इज्जत का कुछ ख्याल। दुनिया में कहीं ऐसा कोई मुल्क मुझे कोई एक शख्स बता दे कि ये इतना मुल्क है जहां पे कैबिनेट जाके एक सजा याफ्ता आदमी से फैसले करवा रही। ये तो काबिल अफसोस है, और इसका क्या किया जाए, क्या कहा जाए। खुदा ही, मैं समझता हूँ कि इनको समझ और अकल दे कि ये अपनी और अपने मुल्क की कुछ इज्जत वकार का ख्याल कर सके। रही बात ये कि पिछली हुकूमत कई बेड़ा गर्क का पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, भाई उसको चलने देते आप ताकि वो सारा मलबा उसी पे रहता, आप जिम्मेदार हैं। आपने लोगों को कहा हम महंगाई खत्म करेंगे, अब करें, महीने में करें, दो में करें, तीन में करें, करके दिखाएं आप। आपने कहा था जी हम होते तो डॉलर ये इस तरह बुरी तरह ना टिक रहा होता है, तो आप डॉलर को रोकें आप। आपने कहा कि जनाब हम आए हैं, एक दिन गुजरा था तो उन्होंने कहा जी देखें डॉलर भी ठीक हो गया, नीचे जा रहा है, और स्टॉक एक्सचेंज देखें किस ऊपर गया है। तो अब महीना हो गया, अब किधर गया स्टॉक एक्सचेंज? बिल्कुल अंजन साहब, आप जो सवाल उठा रहे हैं ना वो बिल्कुल दुरुस्त है। अवामी हलकों से भी यही सवाल हम देखते हैं, लेकिन एक चीज जो कि यहाँ पर वाजह करना बड़ा जरूरी है कि नून लीग का मौकिफ ये है कि गुज़श्ता हुकूमत मईशत में उतनी जान ही नहीं छोड़ के गई कि उसको जो टाइम अभी तक उनके पास है, जो टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में हम दुरुस्त कर सके। जिम्मेदारी ना लेते फिर किसने इनको कहा था कि उनको उखाड़ के बाहर करो? कोई आम जनरल इलेक्शन की बुनियाद पे तो नहीं आए? इन्होंने जबरदस्ती निकाला ना उसको, जो भी किया है, लोग खरीदे हैं या जैसे भी किया है, इन्होंने निकाला ना, तो ना निकालते। अब जिम्मेदारी तो इनके कंधों पे, अब कैसे कह सकते हैं कि वो कर गए, ये कर गए? फिर वो कर गए तो उनको करने देते ना, तो आपके ऊपर तो ना इल्जाम आता। आपने निकाला, लोगों को वादा किया कि हम ये ठीक कर देंगे, तो आप करके दिखाए। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने मुल्क के साथ जो कुछ किया वो शायद दुश्मन भी वो ना कर सके जो उन्होंने कर दिया, क्योंकि अब ये तो जनरल साहब अभी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आपका क्या एनालिसिस है, इलेक्शन की तरफ जाएंगे या फिर कोई और रास्ता निकाला जाएगा? मेरी बात सुनो, अब असल चीज ये है कि मैं अगर कल को इल्जाम दे भी दूं इमरान खान को या इनको पीडीएम को, क्या मिला मुझे? अगर मुल्क की तबाही हो गई, मुल्क की इकोनॉमी बैठ गई, दिवाली हो गया, तो मैं मेरे इल्जाम देने से ना देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? मुल्क हो गया ना। असल चीज ये है कि ये सारा इक्तदार का किस्सा, करप्शन के केसेस, मुसीबत वो गले पड़ी हुई थी, मुल्क का ख्याल होता तो ये काम होता ही ना कर।
मेरा ख्याल है कि अभी इनको कता कलामी की माजरत, एक और सवाल ले लीजिएगा। डोंट यू रियली थिंक कि इमरान खान साहब सियासी अदम इस्तेहकाम में अपना हिस्सा नहीं डाल रहे क्या? इस वक्त जो वो कॉल दे रहे हैं लॉन्ग मार्च की, सड़कों पर आने की, सियासी अदम इस्तेहकाम अगर होगा तो मईशत हमारी कैसे संभलेगी? पहले क्या हो रहा था, पीडीएम बैठ के तो आराम से कहीं कमरों में छुपी हुई थी, वो भी तो यही कुछ कर रहे थे ना पहले, रोजाना जलते जुलूस, रोजाना धरना। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो कोई अच्छा काम नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि मुल्क का ख्याल तो नहीं है ना किसी को, वो इमरान खान हो या कोई और हो, मैं किसको इल्जाम, मैं इल्जाम दे के मुझे मुझे मुल्क ठीक हो जाएगा, मेरा तबाही ये सारे मिलकर कर रहे हैं। ठीक है जनरल साहब, अभी हिना आपकी तरफ आती हूँ, अब आपका टाइम शुरू हो गया। जनरल साहब ये कह रहे हैं कि किसने कहा था ये बोझ अपने कांधों पर लेने के लिए? हमें मुल्क का ख्याल है, इसी वजह से इमरान खान जो पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक और सिक्योरिटी थ्रेट बन गए थे, उन उसको निकाल फेंकना पड़ा और एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना पड़ा पार्लियामेंट्री तरीके से, क्योंकि हमें मुल्क का ख्याल है। पहली बात कि रीज़न होता है इमरान खान को क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि लास्ट 3.5 ईयर्स में जो इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री कर दी, बैड आईएमएफ डील, आप देख लें जीडीपी, डॉलर, ये बहुत बुरी पॉलिसीज थी। अच्छा, और अगर कलामी की माजरा देखिए, अभी भी मार्केट क्रैश हो रही है, अभी भी मैं आपको इसी का आंसर बताऊं। जनरल साहब ने एक बात कही कि अगर गवर्नमेंट को, गुज़श्ता हुकूमत को वो जो टाइम था उनका मुकम्मल करने देते, देखिए अगर इमरान खान को और गुज़श्ता हुकूमत को और टाइम दिया जाता, इन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान को इतना डैमेज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अभी हम हुकूमत में आए तो हमने देखा कि मुल्क की रूट्स जो है ना इतनी खोखली कर दी है, सारे अदारों को इन्होंने, सारे जितनी भी कॉर्पोरेशन उनको इतना बुरा हाल कर दिया। मैं आपको यही बात बताती हूँ, देखिए आपने इमरान खान का 2 दिन पहले का भी जलसा देखा जिसमें उन्होंने मीर जाफर और मीर सादिक वाली बात की, और आज का भी अभी आपने देख लिया जिस तरह न्यूट्रल न्यूट्रल की बात करें, तो एक बंदा जिसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक पार्लियामेंट्री तरीके से इनके अपने इत्तेहादियों और अपने लोगों ने और अवाम ने कहा कि ही इज नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर, उसको इकतदार में वो बाहर हुआ और वो आते साथ वो अपने अदारों पर अटैक कर लिया। जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ आपने देखा इनके जलसों में जब लोग बाहर आए तो उन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ भी किस तरह नारेबाजी शुरू की और किस तरह सुप्रीम कोर्ट को पे ये अटैक कर रहे थे, किस तरह ये इलेक्शन कमिश्नर पे आज भी अटैक कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके अपना तैनात। तो बात ये है कि इमरान खान, आई थिंक डीजी अयान इस मामले पर आ गए, अगर हम डिस्कशन को इस तरफ ना लेके जाएं, नहीं बयान आया है लेकिन उसके बाद आज फिर इमरान खान के, अगर आपने एक मॉरल वैल्यूज की बात करें, मैं अभी का जलसे की तकरीर देख रही थी उसमें आपने मॉरल वैल्यूज देखी थी, वो किस तरह आते हैं, किस तरह बातें कर देते हैं शहबाज शरीफ साहब पे, मौलाना पे, फिर से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मॉरल वैल्यूज तो उनको सिखाए ना, अगर ये खुद लीडर जो होता है उसकी क्या मॉरल वैल्यूज है। दूसरी बात जो मैं वही बात कर रही थी कि आप मस्जिद नबी का तकद्दस को बमाल करते हैं, वहां जाके नारे लगवाते हैं एक जानबूझ के, तो ये मॉरल वैल्यूज की बात इमरान खान हमें करते हैं। तो बात सिर्फ ये, और ये मैं बात ये करूं कि नवाज शरीफ साहब की बड़ी, जब से डिस्कशन स्टार्ट हुई नवाज शरीफ साहब की बात हुई, वो लोग जो नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर रहे थे, वो लोग अब 3.5 साल 4 साल तो हो गए इनको रोज का बयानिया इनका नवाज शरीफ आता है, अभी भी सवाई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा इनका कोई बयानिया नहीं। वही लोग जो नून से शीन लीग निकाल रहे थे वो अब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब सारे फैसले, नून शीन लीग का बयानिया तो दफन, नवाज शरीफ साहब हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री फॉर 3 times, ही नोज उनके ऊपर एक वीक बेसिस पे केस था, उनके ऊपर अपील दायर की जा रही है और ही विल कम वेरी सून, डोंट वरी अबाउट दिस, लेकिन कोई एक मुझे बता सकते हैं ये अब तो बीमार भी नहीं है, माशाल्लाह तंदुरुस्त है, वेरी सून, बट इस चीज को एक नेशनल इशू नहीं बनाना चाहिए। ऑब्वियसली आई नो ये चाहते हैं कि हमारी जो मुल्क की पूरी सियासत है वो चलती नवाज शरीफ साहब से ही है, तो वेल एंड गुड फॉर दैट, बट मैंने पहले भी यही बात की कि शहबाज शरीफ साहब इज नोन as Pakistan speed because he only believes in working, he works for 12-14 hours at a stretch, he's aur aapne jis tarah Nawaz Sharif sahab ko bhi dekha jis tarah motorways unne nahi, no doubt jo cheeze Nawaz Sharif ya Shehbaz Sharif ki achhi hai kaum bhi jo hai unko accept karti hai, unki tareef karte hai, lekin performance hai na ek ye apna ek, mujhe bas baat aakhri karne de ki ye jab awam ke andar ja rahe hain to awam ke andar kya leke ja rahe hain, apni performance sheet kya hai abhi
आवाम में आपने भी जाना है, हम जाएंगे ना डेढ़ साल के बाद। सब सवाल आपको ये बता दूं, आज आपके शो पे, आपके शो पे हम आवाम में डेढ़ साल बाद जाएंगे ना, तो मुस्लिम लीग नून 2/3 मेजोरिटी से जीतेगी। हलीम साहब ये आपको बड़ी बात कर रहे हैं ना, और पीटीआई नजर नहीं आएगी कहीं, बड़ी बात कर रहे हैं ना हलीम साहब। आप प्लीज बताइएगा, आप जब जाएंगे में आके अदारों पे अटैक कर रहे हैं ना, जिस तरह आके अवाम टेम्पररी थोड़ी देर के लिए बेवकूफ आप बना सकते थे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जीरो है। जिस तरह बाय इलेक्शन में आप लोग हारे, जिस तरह कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में हारे, डेढ़ साल में हमारी हुकूमत को काम करने दें और हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने दे, काम करने दे। मैं आपको गारंटी बताती हूँ कि 2/3 मेजोरिटी के साथ पीएमएलएन जो है ना वो हुकूमत में आई है। चलिए मैं हलीम साहब से भी पूछ रही हूँ, हलीम साहब आप आवाम में क्या लेके जा रहे हैं? जैसे कि जनरल साहब ये कह रहे थे कि ये पुरानी हुकूमत का बोझ था, उन्हीं पे रहने दिया जाता तो अच्छा था। जो ये हम बातें करते हैं कि मईशत पटरी से उतर गई है, डॉलर की कीमत हो गई, मार्केट क्रैश कर गई, महंगाई का रोना तो खान साहब की हुकूमत में भी था, तो अगर इलेक्शन टाइम पर हो जाते हैं, ये टाइम से पहले होते हैं, पीटीआई के पास क्या है आवाम में ले जाने के लिए? देखिए पहले तो मैं अभी जो कहा कि जी 2/3 मेजॉरिटी से आ रही है, तो उस पर मैं कहूँगा हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। दूसरा इन्होंने कहा कि जी 3.5 साल में हमने ये कर दिया वो कर दिया, अभी इन्होंने हलीम साहब आपके ये अरमान नहीं है, खुद का खुद कहते हैं, खुद कहते हैं यही अरमान होंगे यकीनन। हमने बहुत सारे अरमानों के, बहुत सारे लोगों के अरमान ठंडे हो चुके हैं, अरमानों पे पानी फिर चुका है। जिस तरीके से अवाम निकली है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि नांदलाल होया की है। मैं बताना चाहता हूं आपको हलीम साहब, चले चले चले, इन शॉर्ट आप मुझे जल्दी से बता दें कि अवाम के अंदर क्या लेके जाएंगे आप, अवाम के पास क्या बयानिया है पीटीआई के पास कि वो अवाम में ये लेकर जाए साजिश के अलावा? आपने सवाल किया जी, मुझे आप डायरेक्ट ना कीजिए, आपने सवाल किया मैं जवाब दूंगा आपको, लेकिन पहले जो हिना साहिबा ने बात की मैं थोड़ी सी बात कर दूं। इन्होंने कहा कि जी आप 3.5 साल की बात कर रहे हैं, 30 साल इन्होंने हुकूमत की है, 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे इन लोगों ने पहुंचाया है। आज 15% इंटरेस्ट रेट है, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 98 में 15% इंटरेस्ट रेट था। इन्होंने जीडीपी का जिक्र किया, 5.3 जीडीपी हमने छोड़ा था, रिजर्व हमने कहाँ छोड़े थे, और इन्होंने बड़ी बात की सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने ये कह दिया, इलेक्शन कमीशन के लिए ये कह दिया, आर्मी के लिए, इदारों के लिए ये कह दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट वैसे अगर चार्ट को हम देखें तो 2018 में इन्होंने भी 5.6 ही छोड़ा था, लेकिन वो 5.6 को कहां पर आप ले गए वो भी प्लीज जरा भूले ना ना। सुप्रीम कोर्ट पे पहले मेरी बात पूरी करने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था? दूसरा ये कहती हैं जी न्यूट्रल कह दिया तो ये मतलब है, वीर जाफर कह दिया तो ये मतलब है। मैं पूछना चाहता हूँ डॉन लीक्स में क्या हुआ था, इनके पार्टनर्स ने मेमो गेट में क्या किया था, नवाज शरीफ ने गुजरा वाला जलसे में किसके लिए तकरीर की थी, अयाज सादिक ने किसके लिए फजूल बात की थी, परवेज रशीद ने किसके लिए बात की थी, मरियम नवाज साहिबा नाम ले लेके किस तरह की बात करती है? अगर आप मुझे कहने दें, अगर हम थोड़ा कंपेयर करें ना क्या करें, इन्होंने क्या किया और हमने क्या किया, इन्होंने फिजिकल हमला किया, आप लोगों ने रात को 12 बजे अदालत के दरवाजे खोलने और अदालत के रात को 12 बजे लगाने के ताने दे दिए, तो फर्क तो कहीं पे भी नहीं है ना, बैलेंस कर गए। नहीं जी, गधे और घोड़े में जितना फर्क होता है ना, गधे की भी दो आंखें होती हैं, एक पूंछ होती है, दो कान होते हैं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हमला किया इन्होंने, हम तो कह रहे हैं रात को खुल गया, हमने को हमला किया जाके, हमारे लाखों के जलसे होते हैं, एक गमला तक मीर जाफर एक गमला तक नहीं टूटता। मेरी देखिए मेरी बात यह है, देखिए बीबी मेरा ख्याल अच्छा नहीं लगता, मैं मतलब आपके रिस्पेक्ट है आपके लिए, अच्छा नहीं है, हम लोग मुर्गों की तरह लड़े कोई अच्छा नहीं है, आपको शायद रेटिंग के अंदर फर्क पड़ता हो, मैं तो नहीं ऐसा कर सकता, मतलब ये अच्छी छोरापन होता है, बीच में बात कर आप कीजिए, आपको रिस्पेक्ट है खुली बात कीजिए, ये तय किया हुआ मैंने, बीच में कोई आएगा मैं चला जाऊँगा, हमें इस चीज़ से हमें फ़ायदा नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ महक के सूरत हाल ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाँ मुल्क को छोड़ा था मुल्क स्टेबिलिटी पे आ चुका था, हमने 3.5 साल में सिर्फ 1.5 साल हुकूमत की है, 2 साल कोरोना को फाइट किया, अब वो बिलावल जरदारी इनका जो वजीर खारजा है वो कोरोना के ऊपर सर्टिफिकेट लेने जा रहा है कोविड के ऊपर, जबकि सिंध में वो हमें भाषण देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इकॉनमी कहाँ पहुँच गई थी, इकॉनमी स्टेबल हो गई थी कोरोना से फाइट करने के बावजूद भी, लेकिन इशू ये है कि ये बर्दाश्त नहीं है।
जिसकी वजह से एक साजिश बुनी गई, एक अमेरिकन ने साजिश बुनी पाकिस्तान के खिलाफ। स्टेबल पाकिस्तान न खपे स्टेबल, और ये न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान सूट नहीं करता किसी को, जिसकी वजह, और ये फिर बिकने को जो तैयार थे वो आगे बढ़ गए। आज भी हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान देकर चले जाएंगे, इस कौम को इतना बड़ा नुकसान देकर चले जाएंगे, ये इस कौम को इदारों को बेच कर चले जाएंगे, जिस तरीके से जा रहे हैं ये मुल्क को डिफॉल्ट करके चले जाएंगे, मुझे श्रीलंका बना के चले जाएंगे। ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता मेरे मुल्क के ये एयरपोर्ट, ये मोटरवेज, ये सब गिरवी रखे हुए हैं, ये सब इन ये गैर मुल्की एजेंडे पे, ये एंटी पाकिस्तान एजेंडे पर है, और मुझे कहने में कोई शक नहीं है। जनरल साहब बड़ी खुल के बात करते हैं, ये जो डायरेक्शन अमेरिका से ले, जिसकी मीटिंगें लंदन में हो, जिसको डायरेक्शन CIA और MI6 दे, वो खाक हमारे दोस्त हो सकते हैं? ये पाकिस्तान के दुश्मन है। ठीक है अली साहब, आपका कमेंट आगे। जनरल साहब आप बिल्कुल आपकी अपनी बारी होगी। अली साहब आपका कमेंट आ गया, 0-0 परफॉर्मेंस हो तो कभी रियासत मदीना का कार्ड चाहिए होता है, कभी आलमी साजिश का कार्ड चाहिए होता है, नए नए कार्ड चाहिए होते हैं, लेकिन आप इससे अवाम में मकबूल नहीं हो सकते। सब लोगों को पता है कि आपकी क्या रीजन है। मुझे जनरल साहब से एक सवाल करने थे, कमेंट लेने थे, क्योंकि ब्रेक का टाइम है। जनरल साहब हम ये देख रहे हैं पीटीआई की जितनी भी तकरीरें उसमें श्रीलंका का बड़ा जिक्र आ रहा है, प्लीज जरा इस पर रोशनी डालेगा, रहनुमाई कीजिएगा। आपने ब्रेक क्यों नहीं ली? नहीं जनरल साहब हम लाइव है प्लीज। अच्छा देखिए, बात यह है श्रीलंका के और यहाँ के हालात बड़े आइडेंटिकल हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीजों में श्रीलंका से बेहतर थे। आप देखिए कि वहां भी राजापक्षा जो है वो उनकी खानदानी हुकूमत है, वजीर आजम प्रेजिडेंट भाई हैं दोनों, एक भाई और मिनिस्टर भी रखा हुआ है, और यहाँ भी यही कुछ है कि आप जरदारी खानदान दे लें, शरीफ खानदान दे लें, बाकी ये सारे जो आशिया बरदान है बाकी के, वो सारे उनके तारीखों में पुल बांधते रहते हैं, लेकिन असल सारा किस्सा यही है कि दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, दो या तीन, वो अपना काम चला रही है, बाकी उनके मुलाजमीन है। अब इन हालात में आवाम को क्या मिला? जी खानदान तो मिल सकता है, खानदान को मिल भी रहा है, आपने बांट भी लिए, उदे भी बांट लें, और खानदान के जो अगर हमारे बच्चों के साथ मुकाबले के इम्तहान में बैठे तो 25,000 रुपए की नौकरी नहीं ले सकते, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल जनरल साहब जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये तो रोना शुरू से है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट के शुरू में भी रोना था, ये अभी भी रोना है, अल्लाह ना करे कि आगे आने वाली हुकूमतों में हम ये रोना देखें। लेकिन जो हम बात करें श्रीलंका की, क्या आपको लगता है कि हमारी आवाम यहाँ मुतहम्मिल हो सकते हैं इस चीज के? अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर पावर है हम। नहीं वो बात सब ठीक है, लेकिन आवाम का दुख अपनी जगह पे है ना, अगर हम सिर्फ अपने खानदानों के दुख जो हैं वो हल करते रहे, उनके मसले मसाइल, उनके करप्शन के केसेस हल करने हैं, हमने कागजात गायब करने हैं, हमने FIA को कहना है कि केस वापस ले लो, हमने अपना मामला चलाना है ना, तो आवाम तो बेचारा देख रहा है दूर से कि ये क्या है, तो किसी वक्त तो वो फट पड़ेंगे, और खतरा तो यही है जो श्रीलंका में हो रहा है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कहीं हमारे जैसे मुल्क में हो, 20 साल पीछे चला जाएगा मुल्क, 20 साल पीछे चला जाएगा। ये चीज पहले सोचनी चाहिए लोगों, हम कर क्या रहे हैं भाई, हम आपस में बंटवारा करके तो काफी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, केसेस में वो माफी चाफी करा के हम समझते हैं बड़ा हमने काम किया, इकॉनमी ठीक करी, इकॉनमी कहां पे। असल चीज ये है कि मुल्क के बारे में सोचना होता तो ये लंदन ना बैठे होते, ये यहीं सारे मुल्क में बैठ के मुल्क की बातें होती हैं। अगर वो आप बिल्कुल जनरल साहब तो मुल्क में बैठ के मुल्क की बातें होती हैं, लेकिन जनरल साहब यहाँ पे हमें ये भी देखना ना कि जो मुल्क में मौजूद लोग हैं और लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि मुल्क के मफाद में क्या ये बेहतर जुदा हमारी जो मुआशी सूरत हाल है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करेंगे, साथ रहिएगा। वेल
वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। मुश्किल मौशी फैसले हैं, हुकूमत है लंदन में और अपोजिशन हमें नजर आ रही है सड़कों पर। लेकिन जो अपोजिशन सड़कों पर है, स्पेशली खान साहब जो सड़कों पर हैं, ये क्या रंग लेकर आएंगे? और जो कह रहे हैं कि इंतखाबात पहले होंगे और जो उनको हटाया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? हमारा पैनल मौजूद है ना, आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ये बताएं कि आप बारहा ये कह रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन खान साहब की अगर बॉडी लैंग्वेज हम देखें तो वो बड़े ही डटे हुए हैं कि इंतखाबात पहले होंगे। जो उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है, जो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने के लिए कह दिया है, उनकी मकबूलियत से कोई इनकारी नहीं है, क्योंकि जलसों में जमे गफीर हमें नजर आता है। अब आप लोगों का ये कहना है कि मुल्क का बहरान, इकोनॉमी का बहरान हल करना आप लोग की यकीनन अव्वलीन तरजीह है, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन खान साहब से कैसे निपटा जाए, इसकी क्या स्ट्रेटेजी अपनाने जा रही नून लीग? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इन्होंने रियासत मदीना का भी कार्ड खेलने की कोशिश की, क्योंकि इनको पता था कि इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है तो हम रिलीजियस फ्रंट पे। आज भी मैं देख रही थी इमरान खान ने फिर रिलीजन का कार्ड यूज़ किया कि जहाद कहने के लिए। या मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस जीरो हो, अच्छा, अवाम में दिखाने के लिए कुछ ना हो, तो या तो आप रिलीजन का कार्ड यूज़ करते हैं या आपने भी आलमी साजिश की कार्ड किया। उस पर मैं एक बात करूँ कि डिक्टेशन की बात करते हैं अमेरिका से, तो मैं अगर हम रिकॉल करें हिस्ट्री, तो पाकिस्तान को एटमी ताकत किसने बनाया? अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो JF-17 का टेक्नोलॉजी किसने दी? बाबर मिसाइल हो या F-16 हो, ये पुरानी पार्टीज पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलके पाकिस्तान को एटमिक पावर बनाया। तो हमने तो उस टाइम पे भी डिक्टेशन नहीं ली। मियां नवाज शरीफ साहब को आपको पता है कि उनके टाइम में जब हम ये एटॉमिक टेस्ट कर रहे थे तो अमेरिका से कॉल आई और बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफर हुए, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने स्टैंड लिया। दुरुस्त है, लेकिन जो पुरानी पार्टियों की बात करें ना, ये गवर्नमेंट में है और पहली अपोजिशन में सड़कों पर है। पहली तो चीज ये है कि इमरान खान साहब को ये बात को एडमिट कर लेना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। उन्होंने मुल्क को माशी तौर पर तबाह किया, उन्होंने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया, उन्होंने अब पाकिस्तान के अदारों पे अटैक करना शुरू कर दिया, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो। अभी आप मईशत की बात करें, खान साहब ने आज जलसे में कहा कि हमने तो मईशत ठीक की थी, आपने साजिश के तहत उन्हें हटा दिया। देखिए, मैं वही बात कर रही हूँ कि सबसे बड़ी साजिश पाकिस्तान के साथ हुई थी तब जब इमरान खान और उनके कजन ताहिरुल कादरी ने लंदन में बैठ के लंदन प्लान बनाया और उस पर इमरान खान साहब हमारे पे मसलत किए गए। और वो 4 साल, 3.5 साल, जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह बर्बाद हुई, जिस तरह मईशत तबाह बर्बाद हुई, जिस तरह बेरोजगारी हुई, पाकिस्तान के ऊपर एक थ्रेट यहां तक आ गया कि इसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से भेजना पड़ा। तो मैं वही आपको कह रही हूं कि अब सब बातें आपकी बिल्कुल सही है। 30 मिनट 30 सेकंड का बस टाइम है, मुझे ही बता दे खान साहब वो कैसे टैकल करेंगे। 20 तारीख हमें करना आता है इनको, इमरान खान को टैकल करना हमें बहुत इजीली आता है। इमरान खान का बबल खुद बर्स्ट हो जाएगा, ही इट्स टाइम फॉर हिम टू रिटायर, लीव पॉलिटिक्स टोटली, बिकॉज अगले इलेक्शन में PTI और इमरान खान इज गॉन। इनका बबल अभी बर्स्ट हो जाएगा कुछ दिनों में, आप देखना आते साथ वक्त के साथ, जिस तरह ये अदारों पे और अटैक करेंगे, जिस तरह ये अब आर्मी पे कोशिश करेंगे अटैक करना, जिस तरह इलेक्शन कमीशन पे अटैक करेंगे, जुडिशरी पे करेंगे, लोग बेवकूफ नहीं है कि इमरान खान को एनी मोर फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन 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 जलसे जुलूसों में जो आवाम नजर आ रही है वो इमरान खान की मकबूलियत भी हमें नजर आ रही है, वो कहीं किसी से ढकी छुपी नहीं। अली हलीम साहब है ना, ये कह रही है कि आपका जो बनाया एक बबल है वो खुद ब खुद ब्रस्ट हो जाएगा, आवाम के सामने हकीकत मजीद खुल के सामने आ जाएगी। प्लीज इस पे कमेंट कीजिएगा। ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाब बंदा जैसे चाहे देख लेता है। मैं ये कहूंगा, उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। जब मुंह धोलेगा, आंखें खुलेंगी, तो पता चलेगा कि करोड़ों आवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है और मुस्तकबिल इमरान खान का और पाकिस्तान का है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने इस्लामोफोबिया का केस, बार बार ही कह रहे हैं मजहबी कार्ड, इस्लामोफोबिया का केस इमरान खान ने लड़ा और ड्रोन अटैक्स में 400 अटैक्स इनके और इनके कजन ब्रदर आसिफ जरदारी, जिसका पेट फाड़ना था इन्होंने, 400 ड्रोन अटैक्स इन्होंने कराए, रहमतुल का आलमीन कॉन्फ्रेंस इमरान खान ने बनाई, और वो शख्स जो इन्होंने जाके सऊदी अरब में स्टील मिलें लगाई, वो शख्स नंगे पैर स्टील मिल जाता है। इमरान कितने इमरान खान और कहाँ ये चोरों का टब्बर। जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, श्रीलंका को याद रखना चाहिए और इलेक्शन फौरन कराना चाहिए, नहीं तो ये जो फैमिली लिमिटेड कंपनीज है, PUCM पुत्र, PUPM पुत्र CM
भतीजी सियासतदान और वो कायद लंदन में बैठे हुए सारे चोर जिन्होंने मुल्क को लूटा बर्बाद किया सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी कह चुकी चोर तो फराग होगी जिसको तोशा खान प्रोटेक्ट कर रहा है बात कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ ये इनके ख्वाबों से बाहर निकला है, इन्हें निकला है अवाम चले ख्वाब तो जब जागेंगे ख्वाब खत्म हो जाएंगे। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, सारी पैसे इंक्रीज हो गए एक सेकंड देंगे इनको। अच्छा तो बेटा आंखें खोलो सुबह हो गई है बाहर देखे। चले हरीम साहब एक 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 सवाल का मेरा जवाब दे है ना, वक्त गलत है हरीम साहब से मेरा सवाल ये है हरीम साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दे। आदिल शेख साहब ये इमरान खान साहब को मशवरा दे कि उठो बेटा आंखें खोलो सुबह हो गई है। बीबी आपने बात कर ली। चले हलीम साहब मेरा एक सवाल ले ले, 20 तारीख खान साहब ने कहा कि 20 तारीख तक इंतखाबात की तारीख दे दी जाए, उसके बाद लॉन्ग मार्च का मैं ऐलान कर दूंगा। अगर इंतखाबात की तारीख नहीं दी जाती तो आगे क्या प्लान है पीटीआई का? शेख साहब इमरान खान को ये मशवरा दे कि उठो बेटा आंखें खोलो सुबह हो गई है। यार ये गद्दार ये सारे फारिग है इंशाल्लाह, खैर इमरान खान है और पाकिस्तान है इंशाल्लाह। चले मुझे ये बताएं कि अगर 20 तारीख तक इंतखाबात की डेट नहीं अनाउंस होती, जो कि यकीनन लग रहा है कि नहीं, जैसे हिना भी कह रही कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, नेक्स्ट पीटीआई का क्या प्लान है? सड़कों पर आना, लॉन्ग मार्च का ऐलान करना, क्या स्ट्रेटेजी अपनाने जा रही है इसके बाद पीटीआई अगर 20 तारीख को इंतखाबात का ऐलान नहीं होता? 20 को मुल्तान के जलसे में सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। 20 को इंशाल्लाह हमारा कप्तान, अच्छा। आपका कप्तान, पूरी कौम का कप्तान इमरान खान सबको बता देगा। और जो प्लान ये है कि हमने पाकिस्तान को गुलामी से आज़ाद करना है, इन्होंने हमें दोबारा गुलामी में धकेलने की कोशिश की है। प्लान जिस दिन अनवील होगा आप देखिएगा किस तरीके से पूरी कौम बाहर निकलेगी। और मैं कहता हूँ इन अकल के अंधों को अकल आ जाए, ये इलेक्शन अनाउंस करें, जाएं इलेक्शन लड़े, जीत के आ जाए ना, सारे इकट्ठे हो जाएं, मिल के इलेक्शन लड़े, इलेक्शन अलायंस बनाए, सारे इकट्ठे आ जाएं, सब मिल के आ जाएं, जाएं, नहीं तो 100 जूते और 100 प्याज वाला काम होगा इनके साथ। आप देखिएगा इनके साथ मेरा सवाल लीजिएगा। हम ये देख रहे हैं कि सियासतदान जो है वो फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश करते हैं, जबकि फौज अपने आप को बैक स्टेप पे लाती है, इससे दूर होती है। कल हमने देखा कि DGISPR का भी जो बयान था वो वाज़े अल्फाज में था कि फौज को इस चीज में इन्वॉल्व ना किया जाए। आपको क्या लगता है फौज के पास अब मजीद क्या ऑप्शन रह गए हैं, क्या तरीकाकार है कि इस चीज को डील किया जाए, इन लोगों को हैंडल किया जाए? देखिए बात यह है कि फौज भी पाकिस्तान की है और जो भी लोग हुकूमत में बैठे उनकी जिम्मेदारी है कि वो फौज के बारे में जो भी बातें इस तरह की हों उनको रुकवाएं। उनके लिए कानून भी मौजूद है, कानून अगर अमल में आएगा फिर तो होगी, लाजमन लोग फिर एहतियात करेंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि अब मसलन इन्होंने अभी जो मीर जाफर और मीर सादिक वाला किस्सा चला वो इन्होंने उसका मतलब अपना निकाला, जो खान साहब ने कुछ और मतलब निकाला कि जी मैंने तो इनको कहा था अदालत में चले जाएं, लेकिन ये कैसे जाएं? मुश्किल ये है कि ये हुकूमत सबसे ज्यादा इन्होंने फौज की बेतौकीरी की। इनका परवेज रशीद ले लें, इनका मियां नवाज शरीफ ले लें, डॉन लिक्स की इनके कोई इनका बंदा पकड़ ले, हर किसी ने मरियम को देख लिया। यानी जो जो जमाने ये खोलते रहे अब क्या ये किस मुंह से जाएंगे ये इमरान खान के खिलाफ? अगर जाएं वो इनके सतर्के से हर वीडियो चप्पे चप्पे पे फिर रही है वो लेके आ जाएं, तो ये इनको एहसास करना चाहिए मुल्क के दिफा के साथ। कलामी की माजर जिन जिन चीजों का आपने जिक्र किया उसको भी अप्रिशिएट नहीं किया गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या खान साहब भी यही स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, वही तरीका अपना रहे हैं, या हम कुछ और चीज देखेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, कानून आईन में मौजूद है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, ले जाए ना उनको अदालत में, क्यों नहीं लेके जाते? इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए नहीं लेके जा रहे, डरते हैं। हालांकि कानून तो इनके पास है लेकिन डरते हैं कि अगले दिन इमरान खान उठा के इनको ले जाएगा इनके सबके बड़े बड़ों के केसेस खुल जाएंगे, क्या करेंगे? ये बात समझते हैं इसी वजह से ये उनके खिलाफ कुछ कर नहीं रहे, वरना बड़ी सीधी सी बात है कानून है, इमरान खान को ले जाए अदालत।
लेकिन ये तरीकाकार गलत है। जब फौज ने आपको बार बार कहा कि हम जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, हम सियासत में दखल नहीं देना चाहते, तो आप भी अपनी जबानों को लगाम दें। आपको क्या क्या ख्वाहिश होती है जबान पे, क्यों बोलते हैं आप इस तरह की चीजें, क्यों कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जान साहब, आपका कमेंट आ गया, आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। हलीम साहब आपका भी कमेंट आ गया, थैंक यू सो मच वक्त निकालने का, है ना, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो एंड पे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसके लिए सोचना हमारा फर्ज है। प्लीज अपने इस फर्ज को अपना फर्ज समझे, जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझे। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।